Welcome students to chemistry concept. This is Pankaj Singh and we are going to study now chemical kinetics from the NCERT textbook. Hum pura chapter cover karenge in few parts. This is the part 1, the first part of this chapter. Baki jo videos hain jo parts hain unke link aapko is video ke description mein mil jayenge. You can go through them. But first of all, you should if you have not done yet, please subscribe the channel and hit the bell icon so whenever a video is uploaded you come to know about the same. So let's start. The chapter is chemical kinetics. Kinetics means speed. So in this chapter what we'll study how fast or how slow a chemical reaction takes place. Teen example deta hun. Rusting of iron, reaction of sodium with water, burning of paper. रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, बहुत दिन लगते हैं रस्ट होने में आयरन को. रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इंस्टेंटेनियस, सोडियम पानी में डालिए ब्लास्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियसली, बहुत फास्ट रिएक्शन. बर्निंग ऑफ पेपर, ना तो सोडियम जितना फास्ट है ना रस्टिंग जितना स्लो है, मॉडरेट. तो ये तो आपने पढ़ा था, दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई दी reactions, the instantaneous, the moderate and the slower one. But apart from this, quantitatively कैसे बोले यार, like reaction of sodium with water, reaction of magnesium with water, how do we technically define how fast or how slow a chemical reaction is? We are going to study this in this particular chapter. Okay, so starting से शुरू करते हैं chemical kinetics. We'll focus on the main यूजफुल टॉपिक्स ओनली, बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे. ओके, सो ऑल दीज क्वेश्चंस को छोड़िए. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस, नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस, बता दिया मैंने फिर भी. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच स्टार्ट or the most important thing or the first most important thing in the chapter is rate of a chemical reaction. Why? How slow or how fast a chemical reaction takes place. Let's say ek reaction hai in which molecules of A are converting in molecules of B. To dekhiye jaise aise reaction hogi, starting mein hamare paas khali reactant the, with the passage of time reactant ka amount decrease hoga, product ka amount badhega. Simple. लेट्स से इनिशियली मेरे पास ए के थे 10 मोल्स, कुछ टाइम बाद वो रह गए 8 मोल. कितने टाइम बाद? लेट्स से 2 सेकंड्स बाद. तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन हुई ना, वो हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. 10 मोल लिए थे, 8 मोल बचे, तो 8 माइनस 10 कितना टाइम हुआ? 2 सेकंड. ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो वी पुट अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. बाहर नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव. रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी. तो ये कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 1 मोल पर सेकंड. फॉर एग्जांपल ये तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेता तो हो जाता 1 मोल पर लीटर पर सेकंड. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन. एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक मिनट में या एक आर में कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो देखते हैं यहां पे लिखा क्या है. रेट ऑफ, हाउ कैन वी डिफाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन? बाय रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट. हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती है रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं. तो एक मिनट में कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई, जो भी हमने देखा, या एक मिनट में प्रोडक्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आर गोइंग इन टू पी. तो हम ये कह सकते हैं कि रेट equals to change in concentration of R reactant upon change in time. बाहर हम माइनस साइन लगाते हैं, रिएक्टेंट के टर्म के केस में हम माइनस साइन लगाते हैं. हमने अभी देखा था कि जो चेंज है इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव,
because the concentration of reactant is decreasing. So to make it positive, we put a negative sign there. Okay. Or increase in concentration of product with time. प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव साइन रहेगा, रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन रहेगा, बिकॉज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है. एनी वे, सो हाउ मच रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट इज फॉर्म इन अ केमिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन. दैट्स इट. ओके, ये रहा, हियर इज दी फॉर्मूला. डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन. देखो, डेल्टा आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग. मैंने अभी लिखा था ना कि रिएक्टेंट्स के टर्म के केस में हम बाहर माइनस साइन लगा देते हैं. क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. एग्जाम में आएगा, दे विल बी आस्किंग वाई द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव, बिकॉज दी विद एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस. द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, एंड एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट इट इज पॉजिटिव बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. ओके, अब बात ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है ना, रेट कम होता चला जाता है. कैसे? जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हुई. आप ये समझ लीजिएगा, मैं अभी से बता देता हूँ कि रिएक्शन होती क्यों है. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब ज़्यादा रिएक्टेंट है तो ज़्यादा कोलिजन्स है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. जैसे जैसे रिएक्शन रेट कम होती चली जाएगी, कोलिजन्स कम होंगे, रिएक्शन की स्पीड भी कम होती चली जाएगी. सो एक्चुअल में रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. चलिए, सॉरी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. एनीवे, चलिए, यहाँ पे ना कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, मैं अलग से बना के आपको समझा देता हूँ. यहाँ मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ टाइम. और हम सब जानते हैं कि जैसे ऐसे रिएक्शन स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ऐसे टाइम आगे बढ़ता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो ज़ीरो हो जाती है. तो ग्राफ बनेगा ऐसा अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो. अच्छा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊँ तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा, बिकॉज हम सब जानते हैं जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है. तो अभी जो हमने निकाला कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वो होता है एक एवरेज रेट, ठीक है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं एक पर्टिकुलरली निकालना चाहूँ कि बताओ भैया जब टाइम 5 सेकेंड था तब रेट क्या था, यानी इंस्टेंटेनियस रेट उसे हम बोलेंगे, तो वो हम कैसे निकालते हैं? मैं जिस टाइम पे भी मुझे रेट निकालना है मैं वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा. टेंजेंट, ठीक है, ढंग से बन नहीं पाया बट समझ जाएगा टेंजेंट है. और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही होगी रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इन द सेम वे अगर प्रोडक्ट में भी मुझे किसी टाइम पे रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उस टेंजेंट का निकाल दूंगा स्लोप, ठीक है, और वो जो स्लोप होगा दैट विल गिव रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है. सो दो टाइप के रेट हैं, एवरेज रेट, यहाँ पे लिखा है एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. ये कुछ ये कहानी समझाना चाह रहे हैं, मतलब नहीं है आपको. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो निकालते हैं ना दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, उसे हम यही ग्राफिकल मेथड से टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं. अच्छा, व्हाट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन, सॉरी, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यूनिट होता है टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है द यूनिट वुड बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। गैशियस के केस में इट मे चेंज बिकॉज गैशियस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, उनकी हम प्रेशर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, 4 पॉइंट। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। दिया क्या है, अलग अलग टाइम पे हमें रिएक्टेंट की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो कह रहे हैं वी आर डिटरमाइन दी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट इंटरवल लेता हूँ तो रेट क्या निकल करके आएगा बताइए तो ज़रा। चेंज इन टाइम विच इज 50 - 0 बाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 - 0.1। ऑब्वियसली विल पुट द माइनस साइन आउटसाइड बिकॉज ये रिएक्टेंट है। ऐसे ही हम अगले इंटरवल के लिए निकाल देंगे, दैट इज 15 - 200। वहाँ टाइम क्या चेंज हो गया, टाइम क्या हुआ 100 - 15। कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई 0.0820 - 0.0905। ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो ऐसे ही हर एक इंटरवल के लिए हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करते रहेंगे और ये कुछ वैल्यूज आएंगी आपके सामने। बट नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस, नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस इन एग्जाम। अच्छा अब जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक रिएक्शन का। 2 मोल्स ऑफ जस्ट अ मिनट, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस थ्राइस। अच्छा रिएक्टेंट कौन कौन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम माइनस साइन क्यू, क्योंकि रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन ही होता है जब से हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट के केस में साइन वुड बी पॉजिटिव, अगेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई चेंज इन टाइम। किसी भी टर्म में आप ले लीजिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। बट पता है ये सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, जितनी देर में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो भैया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कैन नॉट बी सेम। सेम करना है देन वी हैव टू डिवाइड देम बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टोशियोमेट्रिक कोफिशेंट। नाइट्रोजन के केस में 1 है, हाइड्रोजन के केस में 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अमोनिया के केस में वो 2 है तो 1/2 हो जाएगा। अब ये इक्वल हुए एंड दे आर कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट ओनली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम बट इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम डिवाइडेड बाय द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशेंट। अच्छा तो फिर अगर मैं डिवाइड नहीं करता तो क्या होता, वो था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिसअपियर होगा और जब इसे डिवाइड नहीं करूंगा रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया नाउ दे बिकम रेट ऑफ रिएक्शन। इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा, बड़ा सिंपल, लेट्स ट्राई टू डू वन। For a reaction R into P, the concentration of reactant changes from 0.03 to 0.02 in 25 minutes. Calculate the average rate using units of time both in minutes and seconds. वो बात की बात है। See, rate of reaction हमने अभी पढ़ा था, that is change in concentration of reactant by change in time. माइनस का साइन रहता है और अगर कोई स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट है तो उसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट नहीं है सो इट बिकम्स माइनस 0.02
-0.03 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 0.0004 मोल पर लीटर पर मिनट। सेकंड में चाहिए होता तो डिवाइडेड बाय 60 टू कन्वर्ट इनटू पर सेकंड, वो तो आप कर ही लेंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इन अ रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू पी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 मिनट, कैलकुलेट दी रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। देखिए यहाँ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है ना, तो ए की टर्म में रेट हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/2 क्यों, क्योंकि 2 इज द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम माइनस 1/2। कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई भैया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया आपका 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई होप दिस वॉज क्लियर। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल आंसर यू। एंड वी ऑल्सो हैव अ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यू कैन आस्क एनी डाउट ऑफ यू इन ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, आई विल आंसर। थैंक्स।